बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ भी यही है कि आप सबको अल्लाह ताला अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आज अपने किचन में क्या बनाऊँगी। तो मैं बनाऊँगी अपने किचन में स्पेगेटी, स्पाइसी नूडल्स बनाऊंगी, जो कि जिसका चैलेंज भी रखूंगी मैं अपने बच्चों का। वो मेरे बच्चे मतलब खा के आपको बताएंगे कि कौन जीता, उसमें से किसने जल्दी खाया है और किसको मिर्ची लगी और किसको नहीं लगी। तो बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ, आइए चले मेरे किचन में, मैं इंग्रीडियंट्स आपको दिखाती हूँ। तो आइए चल के देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारे स्पाइसी नूडल्स स्पेगेटी के इंग्रीडियंट्स। ये है बंद गोभी, एक फूल था, एक पाव का होगा तकरीबन, और ये दो शिमला मिर्च हैं, और ये दो गाजरें हैं, और ये अदरक है चॉप की हुई, ये लहसुन है चॉप किया हुआ, ये वो है चिकन का स्टॉक निकाला है मैंने, यखनी निकाली है चिकन की, वो जो मैंने बोटियां निकाली हैं, बोटियां बनाई थी बोनलेस, तो उसके उसमें से जो हड्डियाँ बची थी उसकी मैंने ये यखनी बना ली थी इसमें मिक्स करने के लिए। और बाकी के ये हैं नूडल्स, और ये है सोया सॉस, ये है हॉट सॉस, और ये है वर्सटाशायर सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालें है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। और ये है चीनी है ये एक चम्मच, और ये है दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है एक चम्मच काली मिर्च, ये है एक चम्मच नमक, और ये है चिकन क्यूब। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप क्यूब डाल सकते हैं। और ये है चिकन, जो कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है। तो ये मैं बॉईल हो रहा है पानी, इसमें नूडल्स बॉईल करूँगी। इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच नमक, और एक डेढ़ चम्मच के बराबर मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। तो मैं ये डाल के बॉईल कर लूँगी, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब ये हम सारे मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे, इसको मैरिनेट कर लेंगे, हम मैरिनेट करेंगे इसको चिकन को। ये नमक डाला मैंने, और ये मैंने डाली है काली मिर्च, और एक चम्मच भर के मैंने ये लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ डाल दिया है, और एक चम्मच ही मैंने अदरक का डाल दिया, वो लहसुन था पहले जो डाला था, ये अदरक है, ये मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस का एक चम्मच डालूंगी, गिरते हुए तो नहीं, एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ले लूंगी। और इसमें डालूंगी दो चम्मच भर के, बल्कि एक चम्मच डालूंगी, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये मैंने दो चम्मच ले लिए हैं, एक चम्मच ले लिया सॉरी, ये वर्सटाशायर सॉस का थोड़ा सा डाल। सब चीज़ें मिक्स करके रख देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, बस डालेंगे सब चिकन वगैरह मिक्स हुआ हुआ, और फ्राई कर लेंगे। ये देखिएगा, अब इसका जब तक कलर तब्दील नहीं हो जाता चिकन का, मैं भूनती रहूँगी, और इसके बाद फिर मैं सब्जियाँ डालूँगी इसके अंदर, वेजिटेबल्स। व्यूअर्स, ये थोड़ा सा हमने सिरका भी डालना है इसमें, बस इतना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना। और टमाटो केचप एक छोटी प्याली ली है मैंने, वो भी डालना है इसमें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब्जियां डालनी हैं, और ये शिमला मिर्च, और ये गाजर। अब हमने इनको मिक्स करना है, हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है,
इनका करंच हमने रहने देना है ताकि ये करंची रहें, बस हमने मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये देखें मैंने ये मिक्स कर लिया है सब, और थोड़ा सा इसको भून भी लिया है तकरीबन 5 मिनट। पतीली छोटी थी वो वाली, पहली वाली जो थी, तो मैंने इसमें बड़ी पतीली में ये कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसमें, नूडल्स हमारे ज़्यादा हैं तो मैं इस बड़ी पतीली में मैंने इसमें डाल लिया है, इसको पलट लिया है। अब मैं ये नूडल्स डालती हूँ और मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने स्पेगेटी तैयार कर ली है और मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। सिंपल सी है और मज़े की भी है, और आप इसको ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपको कैसी लगी, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और मैं आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो ये कि उसे देखें, फिर ये कि उसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस ब्लॉग्स आप तक पहुंच सकें। और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं आपको हर वक्त हर नमाज में आपको दुआ में